वीर अब्दुल हमीद का नाम लेते ही आज भी भारतवासियों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। उनकी वीरता की कहानियां लोगों की जुबान पर आ जाती है, उनके अदम्य साहस की तस्वीरें खुद ब खुद आँखों के सामने तैरने लगती हैं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि सेना में भर्ती होने से पहले उनका जीवन कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा और क्यों गाँव के 50 दबंगों को उन्होंने दौड़ाया था। हमीद का धामूपुर गांव मगई नदी के किनारे बसा हुआ था, इस कारण अक्सर बाढ़ का खतरा बना रहता था। एक बार इस नदी का पानी अचानक बढ़ गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि नदी को पार करते समय नजदीक के गांव की दो महिलाएं उसमें डूबने लगी। लोग चीखने लगे। डूबने वाली महिलाएं बचाव बचाव कहकर मदद के लिए लोगों को बुला रही थीं। अफसोस, लोग तमाशबीन बने देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए कोई आगे न बढ़ सका। तभी हमीद का वहां से गुजरना हुआ। भीड़ देखकर वह नदी के किनारे पर पहुंचे तो उनसे महिलाओं को डूबते हुए न देखा गया। उन्होंने झट से बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। जल्द ही वह महिलाओं को नदी से निकालने में कामयाब रहे। हमीद के इस कारनामे ने उन्हें देखते ही देखते सभी का दुलारा बना दिया। आतंकी इनायत को जिंदा पकड़ा। गांव से निकलकर वे 1954 में सेना का हिस्सा बने। उन्हें कश्मीर में नियुक्त किया गया था। यह वे दौर था जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवादी घुसपैठ के मामले बढ़ रहे थे। असल में वे 1947 में भारत से मिली करारी हार पचा नहीं पा रहा था, इसलिए छुपकर ऐसी बचकानी हरकत कर रहे थे। इसी कड़ी में उस समय के कुख्यात आतंकी इनायत भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो हमीद ने उसका रास्ता रोका। दोनों के बीच कई घंटों तक गोलियां चली। अंततः हमीद अपनी चतुराई के बल पर उसे जिंदा पकड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने उसे अपने सीनियर्स को सौंप दिया था। हमीद की इस बहादुरी का किस्सा इस तरह सराहा गया कि जल्द ही उन्हें सिपाही से लांसनायक बना दिया गया। पदक पाने का देखते थे सपना। आतंकी इनायत को पकड़ने का बाद उनकी आंखों में वीरता के लिए बड़े पदक को पाने की चाह थी। जरूरत पड़ने पर वह खुद को देश पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। वह अक्सर कहते थे कि पलटन में उन सैनिकों की बहुत ही इज्जत होती है जिनके पास कोई पदक होता है। उन्हें पहली बार आमने सामने से दुश्मन का सामना करने का मौका तब मिला जब 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध में हमीद ने अपने पराक्रम से दुश्मन सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि इस युद्ध में उनके पदक पाने की इच्छा सिर्फ इच्छी ही बनकर रह गई। उन्हें बस तारीफों से ही संतोष करना पड़ा। वतन के लिए पत्नी को रोते हुए छोड़ा। 1947 में अपनी मुंह के खाने के बाद पाकिस्तान नहीं सुधरा। उसने 1965 में दोबारा से अपने नापाक कदमों के साथ अमृतसर की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। लगभग युद्ध जैसे हालात थे। चूंकि हमीद परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे, इसलिए तत्काल उन्हें सेना में लौटने का संदेश भेजा गया। एक झटके में उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। वह अपना बिस्तर बंद बांध ही रहे थे कि उसकी रस्सी टूट गई। पत्नी रसूलन के हिसाब से यह एक अपशगुन था। वह हमीद के सामने न जाने की जिद करने लगी। वह नहीं माने तो उन्होंने फूट फूट कर रोकर कमजोर करने की कोशिश शुरू कर दी। इस पर हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए देश सबसे पहले है, मुझे जाना ही होगा। यह कहते हुए वे जैसे ही घर से निकलकर कुछ दूरी तक पहुंचे, उनकी साइकिल की चेन टूट गई। ऐसे में उन्होंने पैदल ही स्टेशन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वह जब तक स्टेशन पहुंचते, उनकी ट्रेन छूट चुकी थी। सुबह से उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। साथियों ने फिर से उन्हें न जाने की सलाह दी, पर वे कहां किसी की मानने वाले थे। उन्होंने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए सभी को गले लगाया और विदा हो गए। जान से ज्यादा देश प्यारा था। वह जब तक अपनी पोस्ट पर पहुंचते, हालात बिगड़ चुके थे। 1947 में करारी हार के बावजूद पाकिस्तान एक बार फिर से युद्ध का माहौल बना चुका था। वह तेजी से अमृतसर की ओर बढ़ रहा था, जिस पोस्ट से होकर दुश्मन को आना था। संयोग से हमीद को उसी पोस्ट पर तैनात किया गया था। उनके पास यह बड़ा मौका था पदक पाकर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। पाकिस्तान ने पोस्ट से कुछ दूरी पर पहुंचते ही अपने पैटर्न टैंकों से गोले बरसाने शुरू कर दिए। हमीद समझ चुके थे कि दुश्मन मजबूत है। उनके टैंकों को नहीं रोका गया तो जंग मुश्किल होगी। वह यह भी जानते थे कि इनको रोकने में मृत्यु निश्चित है। वह चाहते तो मोर्चा छोड़ सकते थे, लेकिन वे स्वभाव से जीदी थे और देश जान से ज्यादा प्यारा था ही। दुश्मन को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने देने के इरादे से वे आगे बढ़े और दुश्मन को नेस्तानाबूद कर दिया। पेज 2, अकेले नष्ट किए दुश्मन के साथ टैंक। अपनी किताब वॉर डिस्पैचेस में मशहूर लेखक हरबख्श सिंह ने लिखा कि हमीद ने दुश्मन के 4 टैंकों को अपना निशाना बनाया था।
जबकि मेजर जनरल यान कार्डोजो लिखते हैं कि परमवीर चक्र देने की सिफारिश की खबर सुनते ही हमीद ने अगले दिन 3 और पाकिस्तानी टैंक नष्ट कर दिए थे। दुश्मन को 1 इंच भी आगे न बढ़ने देने की जिद ने उन्हें पीछे नहीं हटने दिया। तभी अचानक दुश्मन ने उनकी टीम को टारगेट किया और भारत का यह सपूत मातृभूमि पर न्यौछावर हो गया। उनका सपना था कि उनकी वीरता के लिए कोई पदक मिले। जीते जी तो उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ, पर मरणोपरांत उन्हें वीरता के लिए सेना का सबसे बड़ा पदक परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कसूर में उनकी समाधि भी बनाई गई। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इस अमर सपूत ने दुनिया को बता दिया कि जंग के लिए हथियारों से ज्यादा हौसलों की जरूरत होती है। किसी शायर की इन पंक्तियों के साथ इस वीर सिपाही को शत शत नमन। ठीक ही कहा गया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।